मेरा दिल करता है ना ये कड़े तुम्हें दे दूं। नहीं टाइमी, मुझे क्यों? बस मेरा दिल करता है और मैं दे भी दूंगी तुम्हें अगर एक चीज में बस मेरा साथ दे दो। क्या मतलब? तुम्हें तो पता है ना बेटा, तुम्हारे मरहूम ताया तुम्हारा और नवीद का रिश्ता पक्का करके गए थे अपनी जिंदगी में। चलो तुम्हारा नसीब फराज के साथ लिखा होता, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तुम खुश हो। लेकिन मैं अकबर के सामने सुरखुरू होना चाहती। तुम घर वालों से नवीद और माहम के रिश्ते की बात करो। माहम और नवीद का रिश्ता? अम्मा अब्बा कभी नहीं मानेंगे ताइमी, आपको क्या हो गया? तुम किस लिए हो? तुम कोशिश करोगी तो मान जाएंगे, करोगी ना कोशिश? अच्छा मैं बात करके देखती हूँ। मेरे भाई और भाभी अमेरिका से आए हैं और उनसे मैंने तुम्हारे बारे में बात की है। मेरे बारे में क्या बात? भाई जफा मेरी शादी करना चाहते हैं और मैंने उनसे कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर प्रपोजल भेज दूंगा, भाई और भाभी खुद आएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको मेरी अम्मी अब्बा के हालात मालूम है, का कोई बेटा भी है और ना कोई सहारा। मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, शादी का तो सवाल ही नहीं। हम शादी के बाद दोनों मिलकर मैनेज करेंगे। देखो माहम प्लीज इनकार मत करना, मैं उनका बेटा बनूंगा, ये मेरा वादा है। क्या सोच रही हूँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती और मुझे ये सोचने के लिए वक्त चाहिए। माहम वक्त बहुत थोड़ा है क्योंकि भाई और भाभी सिर्फ 2 वीक्स के लिए आए हैं। हमाद आपने मुझे किस कश्मकश में डाल दिया है? इस वक्त घर में हर तरफ उलझने और परेशानी है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियाँ मैं खुद सॉल्व करूंगा। माहम मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अरे मिठाई तो खिला रही हो, ये भी बताओ कि खुशखबरी क्या है? मिठाई तो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने ना मेरा रिजल्ट देखकर मुझे जॉब ऑफर किया है और तनख्वाह भी पूरे 50,000 की। 50,000? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा रहा हमारी बेटी माशाल्लाह कितनी ज़हीन और लायक है, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ इसने अपनी जिंदगी को भी संवारा और हमारा भी सर फखर से बुलंद कर दिया, माशाल्लाह बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसको जी मिठाई खाई जा रही है? आप ही, मैंने अपने डिपार्टमेंट में टॉप किया है और वहाँ जॉब भी लगी मेरी। अच्छा मुबारक हो बहुत, पूरे 50,000 की तनख्वाह मिलेगी। 50,000 तो और भी बढ़ जाएगी। सच्ची खुशी ना मेहनत के बाद कामयाबी से मिलती है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। किस्मत किस्मत की बात है, तुम्हारी तो तालीम भी मुकम्मल हुई, नौकरी भी मिल गई। हमें तो नौकरी भी नहीं मिलती है ऐसी। ऐसी बातें नहीं करती, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। कुछ हो तो शुक्र अदा करूँ ना, कुछ है ही नहीं मेरे पास शुक्र अदा करने के लिए। अब्बा इसे कुछ कहना और समझाना फजूल। मैं वकूफ हूँ ना, इसीलिए समझाना फजूल है। तुम चलो तुमसे बात करनी है। अच्छा छोड़ें और लेंगे नहीं थोड़ा सा?